अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस के आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। आज हम ये फ्रॉग बनाने जा रहे हैं और इसके लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2.5 यार्ड्स लिया है बिकॉज़ इसके विड्थ ज़्यादा है। अगर आपको कम विड्थ में फैब्रिक मिल रहा है तो आप वो 3 to 3.5 यार्ड्स लेंगे। इसके अलावा ये मैंने नेट ली है जो इसकी नेक लाइन पर यूज़ होगी और हाफ यार्ड फैब्रिक जो है वो इसकी पाइपिंग में यूज़ होगा। चलें अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम इसका फर्स्ट पार्ट कट करेंगे फ्रॉक का, वो सेंटर पॉइंट है जिसमें चुन्नट आएगी। उसकी लेंथ मैं 21 इंचेस ले रही हूँ। देखें, ये मैंने 21 इंचेस लेंथ पे एक मार्क लगा लिया है और यहाँ पे मैं सीज़र से एक कट लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने फैब्रिक को डबल कर लिए हैं और मैं इसका फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स उतारूंगी। ये देखिए, मैंने जो मार्क लगाया था वहाँ से फैब्रिक को कट कर लिया है और ये मेरे पास इसकी बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट्स आ गए हैं। और अब मैं इन्हें सेपरेट कर लूँगी। देखिए, मैं दोनों पार्ट्स को कटिंग करके सेपरेट कर रही हूँ। ये हमारे पास बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट्स आ गए हैं और देखें इस तरह से इसकी एक साइड पे चुन्नट आएगी। अब आप जो पैनल की लेंथ लेंगे वो भी सेम वही लेंथ होगी जो हमने इन्हें कट करते हुए ली है, यानी 21 इंचेस। अब रिमेनिंग फैब्रिक पे मैं सबसे पहले इसके पैनल्स कट करूँगी और उसके लिए मैं फैब्रिक की लेंथ की तरफ 21 इंचेस पे एक मार्क लगा रही हूँ। देखें, ये मैंने 21 इंचेस पे एक मार्क लगाया है। अब इसी तरह से सेम मैं फैब्रिक की विड्थ की तरफ भी 21 इंचेस पे एक मार्क लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 4 पैनल्स कट करने हैं इसलिए मैं सेम इस फैब्रिक को डबल कर लूँगी, यानी कि मैं 21 + 21 = 42 इंचेस टोटल इस फैब्रिक की विड्थ लूँगी। और इसी तरह से 21 + 21 इंचेस 42 इंचेस ही मैं इस फैब्रिक की लेंथ लूँगी। देखिए, इसी तरह से अब मैं इसको लेंथ की तरफ से भी डबल कर रही हूँ। ये मैंने इसे लेंथ की तरफ से भी डबल कर लिया है क्योंकि मैंने 4 पैनल्स कट करने हैं और एक पैनल की लेंथ जो है वो 21 इंचेस है, तो मैं डबल करूँगी तो ये मेरे पास 2 पैनल्स की लेंथ और विड्थ आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से मार्क करने के बाद मैं फैब्रिक को लेंथ और विड्थ की तरफ से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मेरा ये फैब्रिक एक स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, ये देखिए इस तरह से। अब आप इसे एक डबल करके तह लगाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से आप इसे डबल कर लें। अब हम अगेन इसे तह लगाएंगे और इसे एक स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे इस तरह से। देखिए, अब ये मेरे पास फैब्रिक की 4 लेयर्स आ गई हैं और इस तरह से मेरे फैब्रिक से 4 पैनल्स कट होंगे। अगर अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाऊं तो देखें, आप इस साइड से प्लेस करते हुए इंचेस टेप को दूसरे कोने की तरफ लेके जाएं तो ये 21 इंचेस ही लेंथ होगी इसकी फोल्ड करने के बाद। इसी तरह से आप दूसरी साइड से देखें तो इस तरफ भी इसकी जो लेंथ है वो 21 इंचेस है। अब मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दे लूँगी इस तरफ से। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे राउंड में कट कर लिया है।
ये देखिए मैं इधर से भी कटिंग कर दूंगी इसकी। और मैं इस तरफ से भी इन पैनल्स को कटिंग करके सेपरेट कर दूंगी। देखेंगे मेरे 4 पैनल्स रेडी हो चुके हैं इस तरह से। देखिए मैं आपको ये प्लेस करके भी दिखा देती हूँ ये किस तरह से फ्रॉक में स्टिचिंग में यूज़ होंगे। इस तरह से जो हम पहले हमने पार्ट कट किया था वो इन पैनल्स के सेंटर में आएगा और इस तरह से उसके ऊपर चुन्नट होगी। अब हम फ्रॉक की यॉक की कटिंग करेंगे। उसके लिए मुझे फर्स्ट मैं 4 पीसेस कट करूँगी जिनकी विड्थ 7 इंचेस और लेंथ 14 इंचेस होगी। 14 मुझे रेडी चाहिए तो मैं 15 इंचेस इसकी लेंथ लूँगी। ये देखें मैं लेंथ पे 15 इंचेस पे एक मार्क लगा रही हूँ। अब मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर दूँगी। इस फैब्रिक की लेंथ 14 इंचेस है और विड्थ भी 14 इंचेस है। विड्थ 14 इंचेस क्यों है वो आपको मैं अभी जब कटिंग करेंगे तो समझ आ जाएगी। देखें अब मैंने इस तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है तो मैंने जो मार्क लगाया है एक्स्ट्रा फैब्रिक का वो मैं दूसरी तरफ से भी कट कर दूंगी। ये देखें अब मैंने सेपरेट कर लूंगी फ्रंट को और बैक को। अब मैं लेंथ की तरफ से इसे सेंटर से अगेन कटिंग करूंगी तो मेरे ये 4 पार्ट्स जिनकी विड्थ 7 इंचेस और लेंथ 15 इंचेस है वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये यॉक की जो साइड्स हैं वो रेडी हो गई हैं। ये फ्रंट और बैक की। अब मैं यॉक का सेंटर वाला हिस्सा कट करूँगी। उसके लिए मैं ये नेट यूज़ कर रही हूँ। नेट की जो विड्थ होगी ये मुझे रेडी 9 चाहिए तो ये मैं 10 रखूँगी और इसकी जो लेंथ है वो सेम इन्हीं जो पार्ट्स की है यानी कि 15 इंचेस की ही मैं इसके लेंथ के ऊपर इसकी कटिंग करूँगी। देखिए मैंने इसे सेम लेंथ में कटिंग कर ली है। अब हम यॉक के सेंटर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फ्रंट और बैक दोनों की इस नेट की जितनी है सेम होगी। मींस ये 15 इंचेस
लॉन्ग और 10 इंचेस इसकी विड्थ होगी दोनों पार्ट्स की, फ्रंट के और बैक के। ये देखिए मैंने फ्रंट के लिए पीस कट किया है, इसी को मैयर करते हुए मैं बैक भी कट कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास अब फ्रंट और बैक का पार्ट आ गया है और मैं, अगर आप चाहें तो आप ये नेट बैक वाले पार्ट पे भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं जस्ट फ्रंट पे लगा रही हूँ। अब हम फ्रंट को और बैक को सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और ये जो नेट है ये फ्रंट वाला जो पार्ट है इसके ऊपर लगेगी। देखिए मैं आपको प्लेस करके भी दिखा देती हूँ इस तरह से। ये हमारा यॉक का सेंटर पॉइंट पार्ट आ गया है, और ये जो हमने पहले 4 फैब्रिक के पीसेस कट किए थे इसमें 2 फ्रंट के होंगे और 2 बैक के होंगे। देखिए इस तरह से, ये एक फ्रंट का पीस है और एक बैक का है, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये एक फ्रंट का पीस होगा और एक बैक का पीस होगा। देखिए ये हमारी यॉक रेडी हो गई है। मैं शोल्डर्स की कटिंग अभी नहीं कर ली क्योंकि मेन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद करूँगी। आप चाहें तो कटिंग कर सकती हैं।